अक्सर अनिरुद्ध जी महाराज विवादों में क्यों रहते हैं, हेडलाइंस में क्यों आ जाते हैं, और इनकी फैन फॉलोइंग जो है, इनकी चर्चा जो है वो क्यों इतनी बढ़ रही है, समझिए जरा। कल ही आई थी बिग बॉस की पूरी टीम। कितने पैसे रख रहे थे? करोड़ों, लेकिन मैंने मना कर दिया। हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। आज हमारे बच्चे वो सुनते नहीं है। कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। कहीं आदमी नहीं खाया अभी तक। कौन सी कक्षा में हो? दसवीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? ये मान रहे हैं कि ये आदमी मेरा बाप है, क्या कन्फर्म किया आपने कभी? हो सकता है आपकी माँ झूठ बोल रही हो। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वो शख्सियत हैं जो कभी हेडलाइंस से बाहर नहीं होते, और उनके सुर्खियों में बने रहने की वजह उनके ऐसे बयान हैं जो अक्सर विवाद का विषय बन जाते हैं। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले आपको दिक्कत नहीं है, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले उन्हें दिक्कत नहीं है, पर संत लोक समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा कहीं चल रहा है मर्सिडीज में। तुम भेजते हो स्कूल, भेजो स्कूल, जाकर ही तुम्हारा बेटा शराब पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है, और रिलेशन लिविन में रहना सीखता है। भले ही अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपने विवादित बयानों की वजह से मशहूर, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले भागवत उपदेश से लाखों लोग सनातन धर्म ध्वजा संभाले हुए हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। हमारी उम्र के बच्चे, मेरी आयु 33 साल है, 33 साल के बच्चों को मैं देखता हूँ, वो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हैं। कुछ बच्चे जिस उम्र में भारत का नौजवान नशे में डूब करके बाप की संपत्ति लुटा रहा है, उस उम्र में ये दास 280 वृद्धमाओं की सेवा कर रहा है। दिवाली के पावन मौके पर न्यूज 18 के स्टूडियो में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आज प्रभु श्री राम की शिक्षा का दर्शन सबके बीच रखेंगे, साथ ही उन विवादों पर भी अपना पक्ष रखेंगे जो उन्हें अक्सर विवादों के केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है।